हेलो एवरीवन, आज हमारे पास ट्रूक की तरफ से आने वाले दो प्रोडक्ट्स, एक है एयरबड्स प्लस और एक है एयरबड। काफी दिनों से टेस्ट कर रहा था मैं, और जो लोग मेरे टच में थे मैंने उन्हें बता भी दिया था कि लॉन्च होने वाले हैं 8 को। तो ये इन दोनों के साथ देखो मैंने दो प्रोडक्ट और रखे हैं, BTG 3 और ट्रूक एयरबड्स लाइट। बिल्कुल स्पेसिफिकेशन जो है वो सेम है। बहुत से लोगों ने कमेंट भी किया था भाई क्या डिफरेंस है, तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की है कि इसी वीडियो में थोड़ा थोड़ा मैं बताता चलूं साथ के साथ। तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होगी तो बिना पलक झपकाए देखना। और ये दोनों बर्ड्स जो है एक ऐप के साथ सपोर्टेड है, टूया ऐप नाम है, ट्रूक की है या कोई उन्होंने मतलब सपोर्ट खरीदा हो उनसे जो भी किया हो, लेकिन ये दोनों ईयरबड ऐप सपोर्ट करते हैं। 20 प्रीसेट्स मिलते हैं, प्रीसेट्स मतलब अलग अलग मोड, और ये मोड काम के हैं। मतलब ये नहीं है कि जैसे टैग में लिख दिया था बेस बूस्ट मोड तो वो किसी काम का नहीं, लेकिन ये काम के हैं। और फर्क है, इन दोनों में भी फर्क है और इनमें भी फर्क है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें क्या कहते हैं पेट चीर के भाई डिस्प्ले लगा दी है बाकी डिजाइन सेम है, नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा फर्क है। इसीलिए प्राइस का भी फर्क है और इन दोनों में से इसमें भी फर्क है। तो अगर इस वीडियो में क्लियर ना हो ना तो एक वीडियो अलग से बना दूंगा जिसमें ये दोनों BTG 1 और BTG 2 भी ऐड कर दूंगा और एक महा कंपैरिजन वीडियो बना दूंगा। तो चलो अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। अभी शुरुआत करेंगे एयरबड्स प्लस से, ठीक है, वरना वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी होगी। और पूरी वीडियो में सिर्फ एक ही बात झूठ बोली गई है, जो थंबनेल लगाया ना आफ्टर 60 डेज, बस वही एक बात झूठ है, ऐसा नहीं करता तो आप लोग मेरी वीडियो नहीं देखते। अभी हमारे पास एयरबड्स प्लस का बॉक्स, ब्लैक और रेड कलर का कॉम्बिनेशन दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ कुछ फीचर्स दिए हैं जैसे MEMC माइक, यानी कि 4 माइक मिलेंगे आपको, ऑटो नियर डिटेक्शन, 55 मिली सेकंड की अल्ट्रा लो लेटेंसी और 10 घंटे का प्ले टाइम है सिंगल चार्ज पे। चलो ठीक है, यहाँ भी वही लिखा है जो कॉलिंग के टाइम AI पावर नॉइस कैंसिलेशन मिलेगा। एक बात और बता दूं, इसका जो केस है उसमें मिलती है आपको 300 mAh की बैटरी, और यहाँ लिखा है कि 48 घंटे का प्लेबैक टाइम मिल जाएगा, लेकिन टोटल जो है वो 38 घंटे का है, तो टेस्ट करके बता दूं कितना मिलेगा। और यहाँ 10 mm का ड्राइवर मिलता है, वही सेम ट्रूक एयरबड्स लाइट और ट्रूक BTG की तरह। तो यहाँ मिलेंगे आपको बर्ड्स रखे हुए सामने, इनके ऊपर एक प्रोटेक्शन लेयर आएगी ब्लू कलर की, मैंने हटा दी थी। और ये सेम वही बर्ड्स हैं जैसे ट्रूक Q1, ट्रूक एयरबड्स लाइट, और वैसे ही है, अंदर का माल चेंज हो सकता है, दिखने में काफी प्रीमियम लगता है और ये हैवी लाइट वेट काफी। और बात करते हैं हाँ केस की, तो भाई देखो केस ऐसा लगता है जैसे ट्रूक एयरबड्स लाइट के पेट चीर के और एक डिस्प्ले लगा दी गई है, लेकिन लगता ठीक है, ऐसे देखोगे तो काफी अच्छा लगेगा, ऐसे लगेगा जैसे कुछ बाहर सा आ रहा है। ठीक, अब बाकी मैं बर्ड्स रख के आपको दिखा देता हूँ कि इसकी जो LED इंडिकेटर वो कैसा है। हाँ, तो वही ट्रूक Q1 वाला है। अब देखो यहाँ आपको दिखा रहा होगा जैसे 19%, तो ये आपकी केस की बैटरी अभी कितनी चार्ज है, और ये लेफ्ट और राइट जो ब्लिंक हो रहे हैं ना, ये बस ये इंडिकेटर एक तरीके से लेफ्ट वाला भी चार्ज हो रहा है और राइट वाला भी चार्ज हो रहा है ये। अब अच्छा, ये बर्ड्स कितने चार्ज है, तो बर्ड्स कितने चार्ज हो गए हैं इंडिविजुअली चेक करने के लिए आपको ऐप में देखना पड़ेगा। इसके साथ आपको ऐप भी मिलेगी, उसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है कैसे कनेक्ट करना है, कैसे सब काम करना है, कैसे अलग अलग प्रीसेट्स को ऑन करना है, तो उसको जरूर देख लेना। तो यहाँ आपको बैटरी वहां देखने मिल जाएगी। तो अभी हम करने वाले हैं एयरबड्स प्लस का ऑटो नियर टेस्ट। तो मैंने ईयर सेंसर ऑन कर दिया है, उसको ऑन करने के लिए लेफ्ट ईयर बड पे 3 बार टैप करना पड़ता है, एक्टिवेट हो जाता है। अभी जो साउंड लेके जो रही है उससे पहले साउंड सुनो, अब मैं निकालूंगा, ठीक है, बंद हो गए, नहीं आ रही ना भाई, अब देखो फिर लगाऊंगा, चल गया, फिर से निकालता हूं, बंद हो गया। तो थोड़ा मूवमेंट करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि हल्का सा हटाते ही बंद हो जाएगा, नहीं, थोड़ा सा मूवमेंट करना पड़ता है, जो सेंसर है उसको पता चले कि हाँ हिले हैं तब जाके बंद होगा, ये नहीं है हल्का सा यहीं मिल मिलाते रहो। तो देखो हटा, ठीक है, तभी बिल्कुल सही काम करेगा ये डेली लाइफ में, बहुत ज्यादा जरूरत होती है, सिर्फ ट्रूक ही देता है ये फीचर, बाकी किसी भी TWS में आपको नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात करेंगे इसके साउंड, बेस और ट्रबल की, तीनों का फर्क क्या है। मतलब देखो बाई डिफॉल्ट जब आप इनको ऑन करोगे यानी बाहर निकालोगे तो ये बेस बूस्टेड मोड में बाई डिफॉल्ट ऑन होते हैं, ठीक है, 10 mm का ड्राइवर मिलता है, लेकिन इनसे भी ज्यादा खतरनाक मिलता है इनका, इसीलिए लो प्राइस है, इसका थोड़ा सबसे ज्यादा है, और जो इसका आउटपुट है वो भी ज्यादा प्रीमियम है। बेस तो ये समझ लो BTG 1 और BTG 2 का जितना था 13 mm वाले ड्राइवर में जो टाइटेनियम का था उसके बराबर का है वो, और ये जबकि 10 mm का ड्राइवर है और वो भी कॉपर का है, ठीक है, ग्रेफिन का भी नहीं, कॉपर का है, लेकिन बहुत अच्छा आउटपुट है। बेस भयंकर भयंकर, ये भी कम है, ठीक है, भयंकर है भाई। ट्रबल बहुत ज्यादा, आप ट्रबल को कम भी कर सकते हो, बेस को भी कम कर सकते हो ऐप यूज करके, अलग से वीडियो बनाई है ऐप की, वो भी जरूर देखना, ठीक है, उसमें बहुत डिटेल से बताया है। अब बात करते हैं वोकल्स की, तो वोकल्स बिल्कुल क्लियर सुनाई देते हैं, कहीं से कहीं तक साउंड के मामले में आप निराश तो होने ही नहीं वाले। अगर किसी को लगता है कि BTG 3 एयरबड्स लाइट की आवाज कम थी तो उससे भी बेहतर है, और जो BTG 1 और BTG 2 में जो बग मिलते थे ना, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जगह ये ऑल ओवर क्लियर है साउंड के मामले में, और जो अलग से बग थे उनमें भी ये ज्यादा बेहतर है 10 mm ड्राइवर के साथ। अगर बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की तो मुझे काफी
सही लग रही है और लिड भी हिल नहीं रही है, कोई टक टक आवाज नहीं है और कैप भी काफी अच्छा है। नीचे मिल जाता है आपको यूएसबी टाइप सी पोर्ट चार्जिंग का और मिलता है आपको ये मैट ब्लैक कलर, और हो सकता है कोई और कलर भी आता हो लेकिन मेरे पास अभी यही है। अच्छा, बहुत से लोगों ने खरीदा होगा तो उन्हें ये लग रहा होगा कि इसमें कोई हिसिंग नॉइज आती है या फिर कोई ऐसे करके पी 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 ऐसे करके आवाज आती है, तो बता दूं ये आवाज जब तक ही आती है जब तक आप कोई भी गाना प्ले नहीं करते हैं। आप जैसे ही कोई गाना प्ले करोगे ये आवाज चली जाएगी। अगर आप कोई गाना प्ले नहीं करते हो मान लो, तो 3 मिनट के बाद ये पी 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 ऐसे करके बंद हो जाएगी। तो ये होता है इसका जो सर्किट है, जो इसका ड्राइवर है उसको बेस बूस्ट वॉल्यूम मतलब जो आपको आवाज है वो अच्छी आवाज देने के लिए जो करंट है, जो मतलब एक तरीके से जो सप्लाई से करंट आ रहा है वो इसमें कांस्टेंट आता रहता है। तो जब आप यूज नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो सप्लाई कट हो जाती है, तभी वो आवाज बंद हो जाती है, और जब आप गाना चलाओगे तब ऑटोमेटिक वो आवाज बंद हो जाएगी। तो कोई डिफॉल्ट नहीं है अगर कोई हिसिंग नॉइज आ रही है आपको। अब चेक करेंगे, अंदर मिलेगी आपको एक टाइप सी केबल और 2 पेयर मिलेंगे सिलिकॉन टिप्स के, और नीचे मिलता है यहाँ पे एक मैनुअल, तो इसको पढ़ लेना, यहाँ लिखे हैं टच कंट्रोल्स, आगे मैं बता भी दूंगा इंडिविजुअली। और यहाँ मिलता है आपको एक वारंटी रजिस्ट्रेशन कार्ड, तो 10 दिन के अंदर वारंटी रजिस्टर कर देना, वीडियो मैंने बना रखी है कि कैसे करते हैं वारंटी रजिस्ट्रेशन। और यहाँ मिलता है आपको इनकी ऐप का स्कैनर, तो आपको अपनी ऐप डाउनलोड करनी है यहाँ स्कैनर को स्कैन करके, और टूया ऐप करके नाम है इनका। और यहाँ पे सब चीज आप चेक कर सकते हो, जैसे फाइंड ईयरबर्ड, इक्वलाइजेशन, जो भी 20 मोड दिए हैं और सेटिंग्स है कई सारी, वॉल्यूम कंट्रोल करना, सब काम कर सकते हो। तो इसके बारे में मैंने बना दी वीडियो, भाई देखना जरूर। यहाँ देखो जैसे आपको लोकेट करना है कि आपके ईयरबड कहाँ है तो मैप पे भी दिखा देता है, तो मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उस वीडियो में दी है, वहाँ जरूर चेक करो। और साथ में साउंड लीकेज, भाई आवाज ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है बाहर वालों को आवाज आएगी, ये मैं सोचना कि बाहर वालों को आवाज नहीं आएगी। आप जो गाना सुनोगे बाहर वालों को बिल्कुल क्लियर सुनाई देगा कि कौन सी आवाज में आप कौन सा गाना सुन रहे हो। अभी हम करते हैं इसका मैग्नेट टेस्ट, तो मैग्नेट देखते हैं भाई हिलेंगी या नहीं। दो बर्ड्स इतनी आसानी से नहीं गिर रहे हैं और कोई भी टक 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 जैसी जो आवाज आती है वो भी नहीं आ रही, यानी सर्किट चिपका हुआ है। झटका ही मार रहा हूँ भाई, फिर भी नहीं निकल रहा है, तो मुझे लग रहा है निकालने में भी दिक्कत होगी, नहीं हो तो नहीं रही। तो ठीक है, मैग्नेट होल्डिंग बहुत अच्छी है, तो अभी मैं जल्दी से कर लेता हूँ इनका फिटमेंट टेस्ट। तो फिट ये मैंने पहने और एक दो तीन, तो बिल्कुल भी टच से मस नहीं हुए, कान में भी बिल्कुल भी मिसप्लेस नहीं हुए, तो फिटमेंट में काफी सही है। और ये बर्ड्स जो इनके हैं ये लगभग सभी TWS में यही साइज और यही क्वालिटी मिलती है, तो आसानी से नहीं गिरेंगे। अभी हम टेस्ट करेंगे कि पेयरिंग स्पीड कितनी है, फोन का ब्लूटूथ ऑन है और ये मैंने निकाले बाहर, एक दो तीन, तो 3 पे ये कनेक्ट हो जाते हैं। अब हम अपने फोन का ब्लूटूथ भी बंद कर देंगे और ये भी, और हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो, और मैं करता हूँ 1 2 3, तो 3 सेकंड लग रहे हैं, तो सुपर फास्ट आप कह सकते हैं कनेक्शन स्पीड। तो जल्दी से करते हैं इनका ड्रॉप टेस्ट, ऐसे गिराएंगे जैसे दोनों नीचे गिरे, ये गिराएगा, मैं खुद गिरा देता हूं, ठीक है। तो अभी मैं गाना सुन रहा हूं, देखते हैं कैसी आवाज आती है। तो आवाज बिल्कुल सही आ रही है, दोनों में से बराबर है, तो गिरने के बाद भी ये बिल्कुल सही रहेंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। अब वो मैंने खुद ही गिरा दिया था। तो अभी मैंने लो लेटेंसी मोड ऑन कर दिया है और मैं गन लेके बिल्कुल खड़ा हुआ हूं। अब चेक करेंगे एक एक करके कितना मिलीसेकंड इसका डिले है, तो मुझे तो अभी तुरंत आई यार आवाज, तो भाई मुझे तो यार ये BTG 3 से भी ज्यादा इंस्टेंट लग रही है आवाज इसकी। उसमें BTG 3 में तो पता लगता था कि 55 मिली सेकेंड है, लेकिन मुझे इसमें तो बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा भाई। तो भैया इंस्टेंट जा रही है आवाज इसमें, भाई इंस्टेंट जा रही है आवाज, BTG 3 से भी ज़्यादा सुधार किया है इसमें, और 55 मिली सेकेंड की जगह मुझे तो ऐसा लगा जैसे 30 मिली सेकेंड ही है, तो इम्प्रूवमेंट किया गया है। बॉक्स पे भले ही 55 लिखा है लेकिन रियल लाइफ में आपको 30 मिली सेकेंड मिलेगा। तो अभी हम कर रहे हैं मूवी टेस्ट, यहाँ अभी मैट्रिक्स चल रही है जो सबसे लेटेस्ट वाली आई है, और कोई फाइटिंग सीन चल रहा है इको, अच्छा मतलब जो सराउंडिंग साउंड है ना वो काफी अच्छी आ रही है मुझे, और मैं थोड़ा सा हिल के देख लेता हूँ क्योंकि ट्रुक में ये शिकायत रहती है कि कंप्यूटर के साथ स्टेबल कनेक्शन नहीं मिलता है, तो चेक करते हैं।
ठीक है, साउंड का ब्रेक नहीं हो रहा है हिलने पे भी, क्योंकि पहले लैपटॉप्स के साथ जो है हिलने पे ब्रेक हो जाता था, तो यहाँ बिल्कुल सही है और परफेक्ट काम कर रहा है। आप कंप्यूटर के साथ इसे कनेक्ट करने के लिए ले सकते हैं। अब रहे गूगल मीटिंग वाले या जो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं, तो यार मैं किसी से करता तो हूँ नहीं, तो मैं बता नहीं सकता क्लियर कट। बाकी आप जो आइडिया लगाओगे वो जो मैंने कॉलिंग टेस्ट किया था उसी के बेस पे लगाओगे, क्योंकि मेरी किसी के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं होती है। अच्छा एक बात और बता दूं, ये AAC कोडेक सपोर्ट नहीं करता है, सिर्फ SBC कोडेक ही सपोर्ट करता है। बाकी बीच बीच में मैं आपको स्पेसिफिकेशन दिखाता आ रहा हूं कि क्या चीजें ये सपोर्ट करता है। देखो जब मैं वहां तक गया था बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल सही आवाज आ रही थी, कोई ब्रेक नहीं। वैसे ही जैसे मैं हल्का सा रोटेट हुआ तब कुछ नैनो सेकंड के लिए साउंड रुकी थी और फिर तुरंत आ गई थी। फिर पेड़ के पार जब मैं स्ट्रेट चल रहा था तब आवाज आ रही थी, लेकिन फिर से जब मैं ऐसे रोटेट हुआ तो कुछ नैनो सेकंड के लिए ब्रेक हुआ और फिर जब मैं सीधा हुआ तो प्रॉपर आ रही थी। तो कुल मिला के ये बात बोल सकता हूँ, 8 मीटर इसकी रेंज है, 8 मीटर से ज्यादा नहीं है। 8 मीटर से ज्यादा तभी हो सकती है जब बीच में कोई ऑब्स्टिकल ना है या फिर आप घूम नहीं रहे। अगर बात करें ईयरबड्स प्लस के बैटरी बैकअप की, तो ये कुछ 6 घंटे 30 मिनट चला था, मैं थोड़ा लेट हो गया था तो इसमें टाइमर थोड़ा ज्यादा आया है। तो आप 6 घंटे 30 मिनट मान के रखो, 6.5 घंटे का प्लेबैक टाइम ये दे रहे हैं आपको। प्रॉपर टेस्ट किया है चाहे वो फिर देख लो। अब बात करें अगर 0 से 100% कितने मिनट में चार्ज हो जाते हैं, तो 50 से 1 घंटे के बीच में, यानी 50 मिनट से 1 घंटे के बीच में चार्ज हो जाएंगे। फिर कि ये कितनी बार चार्ज कर देता है इसका केस, तो 3 बार पूरा पूरा चार्ज करता है, 25% या 30% चौथी बार में चार्ज कर देता है। 3 बार तो पूरा मान के चलो 3 बार आपको फुल चार्ज करके देगा बर्ड्स को, ठीक है। इसके बाद कि जो बर्ड्स हैं वो केस के अंदर रखने चाहिए बाहर, हमेशा यूज करने के बाद बर्ड्स को केस के अंदर रखो। ये भले ही चार्ज होते रहे, चार्ज होने से इनको कोई असर नहीं पड़ेगा, ये ना ही खराब होंगे, ये बने ही इसीलिए हैं। और जब भी आप टाइप सी जो केबल है उससे केस को चार्ज करते हो तब भी बर्ड्स को अंदर रखो और चार्ज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही आपके बर्ड्स खराब होंगे। तो बर्ड्स हमेशा केस के अंदर रखो। कंफर्टेबल है, फिटिंग बिल्कुल ठीक है, ना साउंड का ब्रेक हो रहा है, आवाज आएगी जब आप बाइक चलाओगे तो, इसलिए फोन भी मैंने स्कूटी के नीचे डाल दिया था, तो मजा आएगा आपको। लेकिन दोनों एक साथ यूज मत करना, एक ही यूज करना, आवाज बहुत ज्यादा लाउड है। तो अभी हम लोग कर रहे हैं कॉलिंग टेस्ट, मैंने कॉल लगा दिया है। हेलो जी भैया जी, आवाज कैसी आ रही है मेरी? आवाज तो सही आ रही है, मतलब कैसी, फोन से डाउन है फोन के जैसे बात करते हैं वैसी है? ना फोन से थोड़ा सा इको टाइप का आ रहा है, हल्का सा, बहुत हल्का इको सा हो रहा है। हल्का या ज्यादा ही होता? ना बहुत माइनर से, बहुत हल्का सा। अच्छा मतलब ठीक ठीक बोल सकता हूँ? हाँ ठीक बोल सकते हो बिल्कुल। हाँ अच्छा तो ठीक है, हाँ। ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में बात करूंगा। तो भाई सामने वाले के हिसाब से जो आवाज है वो ठीक ठाक है, मतलब इनकी तरह नहीं है, जो एयरबड्स लाइट और BTG 3 की तरह जैसी आवाज थी ना बिल्कुल क्लियर वैसी नहीं है, बहुत माइनर सा इको है। बाकी मैं जब रिकॉर्डिंग करूंगा तब मैं सुन लूंगा, तो कुछ ऊपर नीचे है मामला है, जैसे ठीक ठाक बोला है ना, तो आप टैक्स देख लेना, मैं टैक्स लगा दूंगा कैसी आवाज, एवरेज है ठीक ठाक है या अच्छी है, ठीक है, क्योंकि ऐसे मैं भी नहीं अंदाजा लगा पा रहा हूँ। अभी हम बात करेंगे इनके टच कंट्रोल्स की, तो किसी भी ईयरबड पे अगर एक बार टैप कर दो तो गाना प्ले हो जाएगा, हो गया, और फिर से अगर टैप करोगे तो कॉल हो जाएगा। अब बात करेंगे कि अगर आपको नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करना है तो आपको 2 सेकंड तक होल्ड करना है और फिर छोड़ देना है, तो नेक्स्ट हो गया, फिर 2 सेकंड तक होल्ड करना है और फिर छोड़ देना है। अगर आपको प्रीवियस जाना है तो लेफ्ट ईयरबड पे आपको 2 सेकंड होल्ड करना है और छोड़ना है, पहले पीछे जाएगा फिर करना है और फिर अब प्रीवियस सॉन्ग आएगा, फिर से थोड़ी देर रुकोगे फिर प्रीवियस सॉन्ग आएगा, तो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं अभी तक टच कंट्रोल्स। अगर आपको मोड चेंज करना है, मान लो म्यूजिक मोड से गेमिंग मोड पे जाना है, तो आपको 3 बार टैप करना है, 1 2 3, ठीक है, तो म्यूजिक से सीधे गेमिंग मोड में चला जाएगा और इसके बाद फिर से आपको 3 बार टैप करना है तो ये फिर गेमिंग मोड से म्यूजिक मोड में आ जाएगा। अब बात करेंगे अगर आपको गूगल असिस्टेंट ऑन करना है तो आपको लेफ्ट ईयरबड पे 2 बार प्रेस करना है, ठीक है, 1 2, ये आ गया आपका गूगल असिस्टेंट। अब बात करते हैं कि अगर आपको कॉल अटेंड करनी है तो आप किसी भी ईयरबड पे एक बार टैप करेंगे तो आपकी कॉल अटेंड हो जाएगी, और आपको अगर कॉल रिजेक्ट करनी है तो आप किसी भी ईयरबड पे 2 सेकंड तक प्रेस करके रखिए, कॉल डायरेक्ट कट हो जाएगी। तो अभी बात करेंगे हम फाइनल वर्डिक्ट की ईयरबड्स प्लस की, ठीक है, लगभग सभी टेस्ट में ये पास हुआ है, करते हुए आए हैं, आपने देखा, अगर आप शुरू से अभी तक बने हुए हो वीडियो में तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, जो बोलूं बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है, चलो इनको भी उठा लेते हैं। ठीक, इसकी जो प्राइस है वो है 1799 आई थिंक या 1699, मतलब इतनी है, 1700 के आसपास है। तो उसके हिसाब से मुझे सिर्फ एक ही बग मिला है, वो है कॉलिंग में जो ईगो है ना, जो मतलब बात बोली थी दोस्त ने कि बहुत माइनर सा ईगो है, तो वो मुझे लगा कि कॉलिंग में माइनर सा ईगो है,
उसके अलावा जो साउंड है वो 10mm का ड्राइवर में आता है, तो भैया जो 10mm का ड्राइवर है वो बूस्ट तो बहुत ज्यादा किया है और टक्कर भी ले रहा है 13mm के टाइटेनियम ड्राइवर के बराबर, तो यहां भी एक्सेप्टेबल है। चाहे 13mm का ड्राइवर सीधे दे देते टाइटेनियम का तो भी बात वही होती, लेकिन उन्होंने 10mm को बूस्ट करके दिया है। बाकी जो थोड़ा सा प्राइस ज्यादा है वो इनके ऐप की वजह से है, क्योंकि ऐप में बहुत सारे फीचर मिलते हैं, जैसे आप देख लेना अलग से, थोड़े बहुत मैंने दिखा भी दिए हैं। तो कुल मिला के साउंड, बैटरी बैकअप, गेमिंग, कॉलिंग, मतलब डेली लाइफ में अगर आप यूज करना चाहते हो उसके हिसाब से परफेक्ट है। लेकिन जो थोड़े से कॉल करने वाले हैं, जिन्हें बात करनी है या वैलेंटाइन में गिफ्ट देना है 14 तारीख को, उनके लिए नहीं है, क्योंकि कॉलिंग हल्का सा इशू है, ले सकते हो। कॉलिंग मेरे हिसाब से जो होगी वो ठीक ठाक होगी, अच्छी नहीं होगी, तो यहाँ आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। बाकी प्राइस के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, कोई कमी नहीं है, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, आप इसको ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। इनसे भी थोड़े और कंपनी के आते हैं, उनकी कॉलिंग भी ऐसी मिलती है, लेकिन फिर भी एक्सेप्टेबल है। तो जो भी ले रहा हो भाई कमेंट कर देना, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो आपको और अलग से कोई बग मिला हो तो मुझे भी बता देना, मैं भी टेस्ट करके देखूंगा कि हो सकता है कोई और बग भी हो, तो कमेंट जरूर करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है उसके लिए सॉरी। We'll be right back.